Welcome to the second video on I Felt a Funeral in My Brain by Emily Dickinson. Emily Dickinson dwara rachit I Felt a Funeral in My Brain ke is dusre video mein aapka swagat hai. In the first video, we have seen the first two stanzas, lines 1 to 8. In this video, we shall see lines 9 onwards up to the end of the poem. That is line 20. पहले वीडियो में हमने पहले दो स्टैंजास को देखा था जिसमें के लगभग लाइन 1 से 8 तक कवर हुई थी और अब इस वीडियो में हम 9वीं पंक्ति से लेकर के अंत तक यानी लाइन नंबर 20 तक देखेंगे. नाउ लेट अस सी द ओरिजिनल टेक्स्ट बिगनिंग लाइन 9. कविता की मूल पंक्तियां देखते हैं. एंड देन आई हर्ड देम लिफ्ट अ बॉक्स एंड creak across my soul with those same boots of lead again, then space began to toll. As all the heavens were a bell and being but an ear, and I and silence, some strange race wrecked solitary here. And then a plank in reason broke, and I dropped down and down and hit a world at every plunge and finished knowing then In the third stanza, Emily brings us to the point of understanding in continuation with the first two stanzas, in which she tells us about how she initially felt the happening of a funeral in her brain, then the mourners moving about to and fro, their treading, and finally her sense breaking through. Then she could visualize the people who were making the preparations sit down cool and calm to follow the further proceedings of the funeral ceremony. Then she could hear the drum beats, and finally she felt as if her mind was going numb or degenerating into insensitivity. हमने अभी तक देखा कि पहली वीडियो में शुरू के 8 पंक्तियों में एमिली ये बताती हैं कि एक फ्यूनरल, एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया उन्हें अपने दिमाग में महसूस होती है, अपने मस्तिष्क में वह उसको देख पाती हैं, और उसमें उन्होंने जो दृश्य देखा या इमेजिन किया कल्पनाओं में, वो ये था कि लोग फ्यूनरल की तैयारियां कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं, और उनकी जो सेंसेस हैं, उनकी जो बोध क्षमता है, वो धीरे धीरे टूटती चली जा रही है. फिर जब सभी लोग बैठ गए तो उसके बाद उन्हें लगा जैसे एक फॉर्मल औपचारिक ड्रम बीट का साउंड हो रहा है,
जो कि बीट 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 करता चला गया, ड्रम बजता चला गया, और अंत में उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि उनके दिमाग में और सेंसेशंस आने बंद हो गए हैं, यानी कि बोध शून्यता उन्हें महसूस होने लगी। अब स्टैंजा 3 में वो बताती हैं, एंड देन आई हर्ड देम लिफ्ट अ बॉक्स एंड क्रीक अक्रॉस माय सोल, देन शी हैज अ सेंसेशन और अ फीलिंग और एन इमेजिनेशन ऑफ द पीपल द मोर्नर्स द पॉल बेरर्स लिफ्टिंग अ बॉक्स एंड हियर दिस बॉक्स इज द कॉफिन बॉक्स इन विच शी इमेजिन्स हर बॉडी बींग लाइन। यहां वो बताती है कि उन्होंने कल्पनाओं में ये देखा कि लोग एक बॉक्स जिसमें उनका शव बंद है उसको उठाते हैं और एक क्रीक का साउंड उनको महसूस होता है जो कि उनके सोल के पार जाता हुआ महसूस होता है। विथ दोज सेम बूट्स ऑफ लेड अगेन देन स्पेस बिगैन टू टोल एंड शी फील्स दैट द पीपल हु आर मूविंग अराउंड और परफॉर्मिंग द सेरेमनी हैव वॉर्न बूट्स ऑफ लेड विच आर वेरी हैवी एंड दैट हैवीनेस दैट बर्डन कुड बी फेल्ट बाय हर एज इफ दे वर ट्रेडिंग ऑन हर एंड शी वॉज बींग ट्रैम्पल्ड अंडर द वेट ऑफ दोज बूट्स। एमिली को ऐसा लगता है जैसे कि जो उनके लीडन बूट्स हैं, शीशे के बने हुए, धातु के बने हुए, बहुत भारी भरकम बूट्स हैं, वो बूट्स उनके ऊपर से, उनके शव के ऊपर से, उनके अस्तित्व के ऊपर से जा रहे हैं और वो उसके वजन के तले कुचली जा रही हैं। एंड देन स्पेस बिगैन टू टोल एंड देन शी फील्स द सेंसेशन ऑफ द स्पेस, उन्हें शून्य का अनुभव होने लगता है। एज ऑल द हेवन्स वर अ बेल एंड बीइंग बट एन ईयर, नाउ शी रियलाइजेस और शी फील्स और शी इमेजिन्स एज ऑल द हेवन्स वर अ बेल एज इफ शी हैज बीन ट्रांसपोर्टेड टू हेवन एंड ऑल अराउंड हर द हेवनली बेल्स वर रिंगिंग रिसाउंडिंग। She feels that her presence as if it was her being in heaven. यहां एमिली बताती हैं कि उन्हें अनुभूति होने लगती है जैसे वो स्वर्ग में प्रविष्ट हो चुकी हैं और चारों तरफ से घंटियों की ध्वनि आ रही है। And being but an ear. Now we have seen that Emily had taken all the sensations through her sense of hearing. इस कविता में हमने देखा है कि एमिली ने जो भी बोध लिया है, जो भी संवेदनाएं ली हैं, वो अपने कानों के थ्रू ली हैं, मानो कि वो खुद भी एक कान मात्र बन करके रह गई हैं, क्योंकि कान के थ्रू ही उनको बाकी के अपने जीने मरने का बोध हो रहा है। And I and silence some strange race wrecked solitary here. And she says, I and silence, only two things were there together. And those two things were I and silence. दो ही चीजें थी वहां पर, एक मैं थी और एक सन्नाटा था। Some strange race, and as if we belonged to a strange race, a strange species. मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं और सन्नाटा हम दोनों एक अलग ही नस्ल के हैं। रेक्ट सॉलिटरी हियर, रेक्ट ब्रोकन शैटर्ड सॉलिटरी ऑल अलोन, शी सेज दैट वी फेल्ट रेक्ट एंड सॉलिटरी एट दैट प्लेस इनसाइड द कफिन। उन्हें ये लगता है कि वो बिल्कुल अकेली हैं, टूट गई है, छिन्न भिन्न हो गई हैं। एंड देन अ प्लैंक इन रीजन ब्रोक एंड आई ड्रॉप्ड डाउन एंड डाउन। हियर एमिली सेज
that she felt as if a plank, a wooden plank of the coffin had creaked, had broken down, had split into two. Here she feels that the coffin had some sort of break or creak. And why that break came, or why that split came, the reason was that the reason, the wisdom, the mind, the intelligence, the logic, this thing, something like this, had started coming into her being. उन्हें लगा कि विवेक का प्रवेश हुआ है और उससे उनके कफन का पट्टा जो लकड़ी का था उसमें अचानक से टूटने की या चटकने की फीलिंग उन्हें आती है. एंड आई ड्रॉप्ड डाउन एंड डाउन, और इसी प्रक्रिया में मैं नीचे की ओर जा रही थी. एंड हिट अ वर्ल्ड एट एवरी प्लंज एंड फिनिश्ड नोइंग. Then, and she says, and I hit a world as I went down and down. I hit a world at every plunge. The more I went down, the more I entered into knowing another world. जैसे जैसे मैं नीचे गई, वैसे वैसे मैं एक नई दुनिया से परिचित होती चली गई. And finished knowing then. And finally a stage came when I finished knowing, when there was nothing more to know. I had known almost everything that was to be known between life and death. मुझे यूं लगा जैसे ही मेरे ताबूत ने मेरे कब्र के फर्श को स्पर्श किया, मुझे लगा जितना जानना आवश्यक था उतना मैं जान चुकी हूं. और उसके बाद फिनिश्ड नोइंग की स्टेज आ गई, जानना बंद हो गया, अब मुझे और बोध की आवश्यकता नहीं है. देन यहां एक अधूरेपन पर एमिली ने अपनी पोएम को क्लोज किया है. शी हैज लेफ्ट द पोएम एट अ place where we have a feeling of incompleteness, but this is the style of Emily, that she leaves things to the reader to think. ये उनकी लेखन शैली है जिसमें वो पाठक को या आलोचक को सोचने के लिए अधूरी पंक्ति छोड़ देती हैं. Let us see the glossary of words and phrases. अब हम वो शब्द और वाक्यांश देखते हैं जो इस कविता के दूसरे भाग को समझने के लिए आवश्यक हैं. एंड देन आई हर्ड देम लिफ्ट अ बॉक्स. इन हर इमेजिनेशन एमिली हियर्स द पीपल लिफ्ट द कफिन बॉक्स. अपनी काल्पनिक और आभासीय स्थिति में एमिली को ऐसा लगा जैसे उपस्थित लोगों ने ताबूत को ऊपर उठा लिया हो. एंड क्रीक अक्रॉस माई सोल. शी फेल्ट अ स्क्रीचिंग और स्क्रैपिंग साउंड पासिंग राइट थ्रू और अक्रॉस हर सोल. दिस सिग्निफाइज दैट शी इज विजुअलाइजिंग हर ओन फ्यूनरल. एमिली को अपनी आत्मा के मध्य से गुजरता हुआ एक तेज स्वर का अनुभव हुआ, मानो आत्मा से घर्षण करती हुई कोई ध्वनि जा रही हो. इससे पता चलता है कि एमिली ने स्वयं ही के अंतिम संस्कार को अपनी आभासीय स्थिति में देखा है. बूट्स ऑफ लेड, हेवी एंड बर्डनसम फुटवेयर एज इफ made of heavy metal lead. भारी और वजनदार जूते ऐसे लग रहे थे जैसे सीसे जैसी भारी धातु से बने हों. Then space began to toll.
The speaker feels as if she is now traveling through space. कवयित्री को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रिक्त स्थान अथवा शून्य की यात्रा पर हो. As all the heavens were a bell, Emily realizes that she had reached heaven, and as a token of reception, heaven is ringing bells to welcome her. Emily को आभास होता है कि वो स्वर्ग पहुंच गई हैं और उसके स्वागत स्वरूप स्वर्ग में घंटियां बजाई जा रही हैं. And being but an ear, she feels her existence is no more than an ear because she cannot see anything around but can only hear and interpret the sounds audible to her. Emily को लगता है कि उसका अस्तित्व एक श्रवण यंत्र से अधिक कुछ भी नहीं, क्योंकि वो आसपास का देख नहीं पा रही है, केवल एक कान बनकर ध्वनियों को सुन पा रही हैं. And I and silence. She experiences a strong affinity with silence as if they exist as a duo. वो शांति या सन्नाटे के साथ एक घनिष्ठता का अनुभव कर रही हैं, जैसे उसकी सन्नाटे के साथ जोड़ी बन गई हो. सम स्ट्रेंज रेस, अ रेस दैट इज नॉट ह्यूमन, इट्स समथिंग एल्स. एक नस्ल जो मनुष्य की नहीं है, कुछ और ही है. रेक्ट, exhausted, worn out, totally shattered, पूरी तरह से चौपट हो चुका, विनाश हो चुका, नष्ट या बर्बाद हो चुका, चट्टानों पर टक्कर खाकर नष्ट हो चुका. यहां एमिली को लगता है कि उनका जो ब्रेन है वो पूरी तरह से रेक हो चुका है, पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है, पूरी तरह से चौपट हो चुका है. सॉलिटरी, लोनली, अलोन, अनसोशल, एकल, अकेला, समाज से कटा हुआ. यहां एमिली को अपना अस्तित्व सॉलिटरी दिखाई देता है. वी सी दैट एमिली फील्स that she is in solitude, she is in a state of loneliness. And then a plank in reason broke. A part of her coffin breaks due to reason. She becomes aware of the fact that the funeral she has been imagining hitherto is nothing but her ओन फ्यूनरल. ताबूत का एक लकड़ी का पट्टा ज्ञान और विवेक की ऊर्जा से टूटने लगता है, चटकने लगता है. उसे बोध होता है कि अभी तक कल्पनाओं में होने वाला अंतिम संस्कार उसका स्वयं का ही अंतिम संस्कार है. And I dropped down and down. She begins to degenerate and lose all sturdiness. वो अचानक से क्षीण होने लगती हैं और चैतन्य और शारीरिक क्षमताएं समाप्त होने लगी हैं. And hit a world at every plunge. She hit a new world of her existence at every drop or dive into the unknown world.
चेतना के हर पतन पर वो अपने अस्तित्व की एक नई दुनिया में डुबकी लगा रही थी। जैसे जैसे ताबूत कब्र की जमीन को छूता जा रहा था, वैसे वैसे उनका परिचय एक नई दुनिया से होता जा रहा था जो कि इस दुनिया से परे थी। एंड फिनिश्ड नोइंग देन एज हर कफिन टच्ड द ग्राउंड ऑफ द ग्रेव शी हैड ऑलमोस्ट नोन ऑल दैट शी डिजर्व्ड टू नो। इट वॉज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट दैट शी हैड विजुअलाइज हर ओन डेथ। जैसे ही ताबूत ने कब्र के धरातल को छुआ, उसे वो सब पता हो गया जो होना चाहिए था। जैसे कि यह उसकी अपनी मौत का अनुभव था, कल्पना नहीं। यहां हम देखते हैं कि एमिली डिकिंसन ने अपनी कल्पनाओं से जो बात शुरू की थी उसे वो एक वास्तविक रूप देने की कोशिश करती हैं। वी सी दैट द पोएम हैड बिगन विद इमेजिनेशन विद एन एलिमेंट ऑफ फैंसी फैंटसी एंड बाय इट स्लाइड्स इनटू अ स्टेट वेयर द पोएटस सेज दैट आई हैड नोन ऑल दैट आई वॉज सपोज्ड टू नो एंड फाइनली आई फिनिश्ड नोइंग देन मीन्स दैट देर वॉज नथिंग एल्स लेफ्ट फॉर मी टू नो। दिस वॉज द एंड ऑफ माई अवेयरनेस ऑफ लाइफ एंड डेथ। मेरे लिए जीवन का और मृत्यु का बोध होने की ये पराकाष्ठा थी, चरम सीमा थी। इसके आगे जानने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। मैं सर्वज्ञ हो चुकी थी। आई हैड नोन एवरीथिंग। सो दिस इज हाउ शी वाइंड्स अप द पोएम बाय सेइंग दैट इट वॉज अ कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ अवेयरनेस ऑफ द अदर वर्ल्ड और अ मेटाफिजिकल स्टेट ऑफ माइंड। जहां वो कविता को समाप्त करती हैं, वहां वो कहती हैं, जानने जितना था मैं जान चुकी थी। इसके आगे जानने के लिए या बोध के लिए और कुछ भी शेष नहीं बचा था। दिस इज एमिली डिकिंसन्स आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन। वी हैव सीन द होल पोएम इन टू वीडियोज, पार्ट वन लाइन 1-8 एंड पार्ट टू लाइन 9-20। यहां एमिली डिकिंसन की आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन नाम की कविता समाप्त होती है, जो कि दो वीडियोज में कवर की गई है। पहली वीडियोज में लाइन 1-8 कवर की गई है और सेकेंड वीडियो में लाइन 9-20 कवर की गई है। थैंक यू, धन्यवाद।